हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने इस पॉजिटिव परिवार में। कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में हम आर्मी पब्लिक स्कूल से आई हुई साइकोलॉजी और काउंसलर वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरियस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से आज की आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आई है, वन बाय वन सारे वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी अमृतसर से आई है, जो कि पंजाब स्टेट से है। वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जैसे टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस, मैथ, सोशल साइंस। उसके बाद टीजीटी में टीचर फॉर फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद टीजीटी में म्यूजिक, उसके बाद आर्ट क्राफ्ट। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे हेल्थ वेलनेस टीचर यानी काउंसलर की वैकेंसी है। फ्रेंड, इस काउंसलर वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में विथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसिलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर एज अ वेलनेस टीचर और अ काउंसलर। फ्रेंड, यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में, उसके साथ आपके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में, और फ्रेंड आपको यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ काउंसलर और वेलनेस टीचर। फ्रेंड, आप फ्रेशर हो फिर भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए, और फ्रेंड अगर आप एक्सपीरियंस हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपकी एज 57 से कम होनी चाहिए। इन दोनों सिचुएशन में आप इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फ्रेंड, अभी देखते हैं कि इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। फ्रेंड, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट यहाँ पे बताइए कि 15 मार्च लास्ट डेट है। स्कूल के वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, और लास्ट डेट 15 मार्च है। इसके साथ आपको एक डीडी बनाना है इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल अमृतसर। जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू कब होगा ये बताया जाएगा। फ्रेंड, अभी चलते हैं कि स्कूल के वेबसाइट पर, देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। फ्रेंड, हम स्कूल के वेबसाइट पर आ चुके हैं। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फ्रेंड, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उस पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद आपको ये ऑप्शन दिखेंगे क्विक लिंक, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे LSB एडवर्टाइजमेंट क्लिक करने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचर LSB पे क्लिक करते हैं, और फ्रेंड ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको फोटो लगाना है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, और ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये एक बार आप पढ़ लेना। फ्रेंड, इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट 15 मार्च है। फ्रेंड, ये एप्लीकेशन आपको स्पीड पोस्ट से सेंड कर देना है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट फोटो साइज, ये सब आपको सबमिट कर देना है 15 मार्च से पहले। और जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू कब होगा ये बताया जाएगा। नेक्स्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी नंबर 1 जबलपुर से आई है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट से है। फ्रेंड, यहाँ पे वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई, जैसे PGT में फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री। उसका TGT में इंग्लिश, मैथ, संस्कृत। फ्रेंड, अभी देखते हैं कि PGT साइकोलॉजी वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। फ्रेंड, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए, और बीएड में कम से कम 50% मार्क आपके होने चाहिए। फ्रेंड, अभी देखते हैं कि इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। स्कूल की वेबसाइट पे एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, वो एप्लीकेशन आपको फिल करना है। इसके साथ आपको DD बनाना है 100 रुपीज़ का विद इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल नंबर 1 जबलपुर, और ये 15 मार्च से पहले आपको ये सबमिट कर देना है बाय स्पीड पोस्ट। इस वैकेंसी का इंटरव्यू आपका 23 से 25 मार्च के बिटवीन होने वाला है। फ्रेंड, अगर आप फ्रेशर हो फिर भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो और आपके पास 5 साल से कम एक्सपीरियंस है, तो आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी एज 57 ईयर से कम होनी चाहिए। फ्रेंड, इस वैकेंसी को अप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए और एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको aps1jabalpur.ac.in इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको ये नीचे आना है CSB 2022। यहाँ पे CSB नोटिफिकेशन करके आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, और CSB एप्लीकेशन फॉर्म 2020 पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसे आपको फिल करना है, DD बनाना है 100 रुपीज़ का, और ये इसे आपको सबमिट कर देना है स्पीड पोस्ट से, आपको फ्रेंड ये सबमिट कर देना। अभी नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी ममून कैंट से आई है। फ्रेंड, ये वैकेंसी पठानकोट यानी पंजाब स्टेट से है। वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जैसे TGT में मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, इसके बाद हेल्थ वेलनेस टीचर और काउंसलर। फ्रेंड, काउंसलर वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया CBSE गाइडलाइन। तो CBSE गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काउंसलर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, इसके साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन काउंसलिंग और साइकोलॉजी।
फ्रेंड, अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2022 से पहले 40 साल से कम होनी चाहिए। और फ्रेंड, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपकी एज 57 ईयर से कम होनी चाहिए। फ्रेंड, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए स्कूल के वेबसाइट पे एक अप्लीकेशन फॉर्म दिया है, वो अप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और आपको 100 रुपीज का DD बनाना है इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। अप्लीकेशन फॉर्म आपको 15 मार्च से पहले स्कूल में सबमिट कर देना है। जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बताया जाएगा टेलीफोन के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। फ्रेंड, अभी देखते हैं कि स्कूल की वेबसाइट पे जाके कि अप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे आपने क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे ओपन हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएंगी, यहाँ से आपको डाउनलोड अप्लीकेशन फॉर्म वैकेंसी पे क्लिक करना है। फ्रेंड, ये अप्लीकेशन फॉर्म है, इस अप्लीकेशन फॉर्म की आपको प्रिंट निकालनी है, फॉर्म फिल करना है और ये इसे आपको स्पीड पोस्ट से स्कूल एड्रेस पे सेंड कर देना है। नेक्स्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी जैसलमेर से आई है, जो कि राजस्थान स्टेट से है। वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई, जैसे TGD में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश। उसके बाद PIT में टोटल 14 वैकेंसी है, 14 सब्जेक्ट है। उसके बाद PET, उसके बाद म्यूजिक में एक है, डांस में एक, काउंसलर के लिए एक, स्पेशल एजुकेटर के लिए एक। काउंसलर वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन काउंसलिंग होना चाहिए। फ्रेंड, अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपकी एज 57 ईयर से कम होनी चाहिए। फ्रेंड, यहाँ पे CSB स्कोर कार्ड अप्लीकेबल है इस पोस्ट के लिए, रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट हो, यहाँ पे आपको स्कोर कार्ड कंपलसरी है। फ्रेंड, अभी देखते हैं कि इस वैकेंसी को अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको 100 रुपीज का DD बनाना है इन फेवर ऑफ APS जैसलमर, इन नाम से आपको DD बनाना है 100 रुपीज का। और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 16 मार्च को अप्लाई करना है आपको, स्पीड पोस्ट से सबमिट कर देना है। फ्रेंड, अगर आपको कुछ क्वेरी है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ये ईमेल आईडी भी दिया है। फ्रेंड, आपको पोस्टल एड्रेस दिया है, यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है अप्लीकेशन फॉर्म, DD वगैरह। फ्रेंड, अभी देखते हैं कि डाउनलोड कैसे करना है। फ्रेंड, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे, तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद टीचिंग अप्लीकेशन फॉर्म, नॉन टीचिंग अप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से आप अप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड, ये अप्लीकेशन फॉर्म है, इसे आपको फिल करना है, यहाँ पे DD वगैरह बना के सेंड कर देना है स्कूल के कैंपस में। नेक्स्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी बीकानेर और सूरतगढ़ दोनों लोकेशन से आई है। फ्रेंड, यहाँ पे वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। पहले बीकानेर की वैकेंसी देखते हैं। बीकानेर में PGT में इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, का TGD में इंग्लिश। तो फ्रेंड, बीकानेर से PGT में साइकोलॉजी की वैकेंसी आई है। अकॉर्डिंग टू CBSE नॉर्म आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, उसके साथ आपके पास BEd होना चाहिए विद 50% मार्क। ठीक है फ्रेंड, अभी अभी आप आर्मी पब्लिक स्कूल सूरतगढ़ की वैकेंसी देखते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे देखो PGT में साइकोलॉजी की वैकेंसी आई है, और उसके बाद TGT में देखो फ्रेंड, यहाँ पे काउंसलर की वैकेंसी है। तो आपके पास यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, उसके साथ आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए काउंसलर काउंसलिंग में। और फ्रेंड, यहाँ पे ऐसा बताया है कि अगर आपके पास CSB कार्ड होगा, तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे काउंसलर में आपके बताया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में, ग्रेजुएट विथ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर एज अ काउंसलर। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड आपको इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए। फ्रेंड, 1 अप्रैल से पहले फ्रेंड आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, तो आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपकी एज 57 ईयर से कम होनी चाहिए। स्कूल के वेबसाइट पे एक अप्लीकेशन फॉर्म दिया है, वो अप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, उसके साथ आपको DD बनाना है इन द फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल बीकानेर। इस वैकेंसी को अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 मार्च है फ्रेंड, और जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको इंटरव्यू कब होगा इसके बारे में बताया जाएगा। ये स्कूल का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, APC बीकानेर का और सूरतगढ़ का। अगर आपको कुछ क्वेरी हो, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्रेंड, अभी देखते हैं कि स्कूल की वेबसाइट पे जाके कि अप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। फ्रेंड, आपको गूगल में सर्च करना है APSBikaner.edu.in। ये ऐसा सर्च करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट क्लिक करना है, यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको क्या करना है, ये डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इस डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे CSB LSB फॉर्म पे क्लिक करना है। और ये अप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने शो हो जाएगा। इसकी आपको प्रिंट निकालनी है और DD बनाना है, और आपको स्कूल ऑफिस में इसे सेंड कर देना है बाय पोस्ट। नेक्स्ट, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी फ्रेंड, यहाँ पे रुड़की से आई है।
मिरुट से आई है और लैंसडाउन से आई है, फिर रुड़की है उत्तराखंड से, मिरुट है उत्तर प्रदेश और लैंसडाउन है उत्तराखंड से, ये वैकेंसी आई है फ्रेंड। यहाँ पे देखो पहले रुड़की की वैकेंसी देखते हैं, पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और एपीएस नंबर 2 रुड़की में, पीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक, फिजिकल एजुकेशन। एपीएस मेरिट में पीजीटी में इंग्लिश, फिजिकल, फिजिक्स, बिजनेस स्टडीज, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक और फ्रेंड यहाँ पे एक साइकोलॉजी की वैकेंसी है। ठीक है फ्रेंड, अभी देखते हैं कि पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। पीजीटी साइकोलॉजी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में, उसके साथ आपके पास बीएड होना चाहिए विद 50% मार्क, 50% होने चाहिए कम से कम आपके बीएड में। फ्रेंड इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ₹150 का इन द फेवर ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ, इस नाम से बनाना है। और फ्रेंड लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की 14 मार्च लास्ट डेट है। स्कूल की वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, उसके प्रिंट निकालनी है और 14 मार्च से पहले आपको सबमिट कर देना है। और फ्रेंड यहाँ पे ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए, जैसे ईपीएस रुड़की मेरठ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दिया है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन की है। फ्रेंड अभी देखते हैं स्कूल की वेबसाइट पे जाके कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है। फ्रेंड आपको गूगल में आकर ऐसा सर्च करना है aps2rurki.com, ये करने के बाद फ्रेंड आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको वैकेंसी शो हो जाएंगी। फ्रेंड उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक हर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक, ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे आपका पासपोर्ट फोटो लगाना है और इसकी प्रिंट निकाल के आपको सबमिट कर देना है। फ्रेंड सारी वैकेंसी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप चेक कर सकते हो। बस फ्रेंड इतना ही था आज के वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।